आइए इसके पहले हमने इन्वेंट्री इन्फॉर्म, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मैनेजमेंट बनाए हुए थे, ठीक है। आज उसमें इन्वेंट्री इन्फॉर्म में हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर कंपाउंड बनाएंगे, जिसमें हम लोग जितने भी दर्जन वगैरह खरीदते हैं, दर्जन के पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, जैसे लीटर 1 kg है, हमको 200 ग्राम में लेना है, तो उसके पास प्राइस हम कैसे करेंगे, तो पहले उसको पहले बनाएंगे कैसे, उस यूनिट को तैयार कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग कहाँ पे, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, ठीक है, और इंटर यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ से स्टॉक ग्रुप पहले बना ही लेते हैं, ठीक है। स्टॉक ग्रुप बना लिया, यहाँ से क्रिएट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे बना लिए राइस का, यानी राइस का हम क्या कहते हैं स्टॉक ग्रुप, यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है, एक ही बनाते हैं। उसके बाद मैंने चला यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर आए और क्रिएट किए। तो सबसे पहले हम सिंपल में बनानेंगे, जैसे हमको कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाने से पहले हम सिंपल में बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कंपाउंड से पहले सिंपल बनाएंगे और यहाँ से सिंबल यानी केजी ले लेंगे और यहाँ फॉर्मूले में पूरे नाम होते हैं, तो पूरे नाम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से किलोग्राम यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे और केजी का छोटा रूप क्या होता है ग्राम, तो जीएम कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या होते हैं ग्राम ले लेते हैं, इसे ग्राम और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेते हैं, चलिए एक ही बना लिए। मान लीजिए एक और बनाते हैं, इसे यहाँ से दर्जन बना लेते हैं, दर्जन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक, और एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ दर्जन का छोटा रूप क्या होता है पीस होता है, यहाँ से पीस ले लेते हैं। ये दो मैंने सिंपल में बना लिया, अब उसको हम कहते हैं कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बैक स्पेस, कीबोर्ड का बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से सिंपल है, सिंपल के ऊपर जस्ट दिया हुआ है कंपाउंड, तो यहाँ से हम कंपाउंड को लेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ से दिया है फर्स्ट यूनिट, यानी फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है कि सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है फर्स्ट में होता है। जैसे हम केजी है, तो केजी सबसे बड़ा यूनिट है, तो हम यहाँ से केजी ले लेंगे और कन्वर्ट, मतलब कितना को मिलाने के बाद हम 1 kg बना सकते हैं, यानी कितना ग्राम को मिलाने, यानी केजी का छोटा रूप क्या होता है ग्राम होता है, तो हम यहाँ से 1000 लेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ सेकेंड यूनिट में हम ग्राम लेंगे, जिससे कि हम ग्राम यानी बोल सकते हैं 1000 ग्राम को हम 1 kg बोला जाता है, ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ दर्जन हो गया, जैसे दर्जन हो गया, एक दर्जन बनाने में कितना पीस होता है, तो हमको 12 पीस, छोटे यूनिट कर लेंगे हम, यहाँ से पीस ले लेते हैं, यहाँ से पीस ले लेंगे और इस टाइप से या कंपाउंड इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद हम एस्केप प्रेस करके कीबोर्ड से हम पीछे की तरफ जाते हैं, बैक की तरफ जाते हैं और यहाँ चलते हैं स्टॉक आइटम, यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से मान लेते हैं हम बना लेते हैं हमको बासमती राइस, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं। अंडर मतलब कंपनी होती है, किस सा है राइस वाली, जहाँ पर मेन होती है, ठीक है, वहाँ से हम ले लेंगे राइस का। यहाँ से यूनिट है, यूनिट अब देखिए कौन सी, हम लोग तो केजी में खरीदते हैं राइस को, तो यहाँ से हम कंपाउंड वाला ले लेंगे, केजी ऑफ 1000 ग्राम लेकर यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए इस टाइप से ये मेरा कंपाउंड वाला बन गया। अब बैक करके कैसे डालते हैं, चलिए हम चलते हैं आपको बैक करके, आते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो में हम चलते हैं लेजर क्रिएट करते हैं एक, तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर लिए आपको कैपिटल का लेजर बना लेते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। इंटरप्रेस करते हुए हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ से परचेज बना लेते हैं, परचेज के अंडर में क्या जाते हैं परचेज देते हैं, यहाँ से हम परचेज बना लेते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं और यहाँ से सेल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सेल बना लिए, एक्सेप्ट करा देते हैं और यहाँ से कैसे हम करेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे अकाउंट्स इन वाउचर के अंदर और यहाँ से F6 प्रेस करके कैपिटल ले लेंगे, यहाँ से कैपिटल ले लेंगे और यहाँ से मान लीजिए इंटरप्रेस करके हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, यहाँ से कैश दे देंगे, डेबिट में क्या हो जाएगी कैश हो जाएगी, यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अभी अपना इनसे परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद यहाँ से इंटरप्रेस करते पार्टी नेम में कैश ले लेंगे, यहाँ से इंटरप्रेस करते हुए अब आएंगे यहाँ से, जैसे बासमती राइस है तो हमको खरीदना है, मान लीजिए आपको 5 kg 500 ग्राम, तो 5 लिखेंगे इंटरप्रेस कर, देखिए 5.500 kg आ गए, 100 डालते हैं तो 100 के यहाँ से 550 रुपये एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह हम कैश कर देंगे, सेल भी कर लेंगे, तो एफ एड प्रेस करेंगे सेल हो जाएगी।